आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार का पंचांग, आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी गुरुवार का पंचांग। तो गुरुवार तो आपको इस सूर्योदय से लेकर अगला सूर्योदय तक, मानी सूर्योदय से अगला सूर्योदय तक 24 घंटा गुरुवार ही रहेगा। जब दिन होगा तो दिन बदलेगा, जब दिन हुआ ही नहीं तो रात में क्या बदलेगा। रात में तो कुछ बदलता नहीं, कुछ दिखाई स्पष्ट देता नहीं है। तो तारीख के चक्कर में मत रहिए, तारीख जिनका है वो अपना से, इनका तारीख है, अंग्रेजों का तारीख है, अंग्रेज अपने लोग समझे क्या उनका बदलता है नहीं बदलता है, हम लोग का कुछ नहीं बदलता है। हाँ, जो अंग्रेजों के गुलाम थे और आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, गुलाम मानसिकता धीमा है ना, तो उनकी बातें कुछ और। हाँ, तिथि जो है सो सप्तमी तिथि का मान जो है सो दिन में शाम के 5 बजे लगभग 4:55 बदल जाए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है सो आपको 5:45 में पौने 6 बजे शाम को, नहीं घटी पल है, एक घटी 21 पल में 5:45 प्रातः काल ना, घटी पल भी ध्यान देना पड़ता है ना। तो दिन में माने कि सूर्योदय के समय एक घटी 21 पर मैंने सुबह 5:45 पर आपका पूरा भाद्रपद नक्षत्र समाप्त हो जाता है, यानी कि आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आ जाता है तो शादी ब्याह का सब शुभ काम का शुरुआत हो जाता है। सौभाग्य योग जो है सो आपका 23:50 पर में दिन के 2:45 तक आपको सौभाग्य योग है, उसके बाद आता है सौभाग्य। तो सौभाग्य योग में जो बाल बच्चे पैदा लेते हैं जाते हैं और सौभाग्यशाली होते हैं, और शोभन जो में जो पैदा है वो शोभित होते हैं, सुशोभित होते हैं, यानी उनका चेहरा जो है सो पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगता है देखने में, शोभित होते हैं, सुशोभित होते हैं। तो आपको 2:45 शाम में, मैं 2:45 दोपहर के बाद अपराहन रहेगा, बवकरण आपको हो जाता है, बालोकरण हो जाएगा, मुदगर जोग हो जाएगा, मुदगर जोग ठीक है लगभग, खासी दिक्कत ना इसमें, और 1 जुलाई हो जाएगा, अंग्रेजों का अंग्रेजी तारीख के अनुसार 1 जुलाई हो जाता है, और फसलें 7 तारीख, सूर्य के अनुसार 16 तारीख और अष्टरीय 10 तारीख, चंद्रमा मीन राशि के रहेंगे, यानी कि चंद्रमा जो है सो मीन राशि का चंद्रमा जो है सो पूर्व दिशा उत्तर दिशा के, तो उत्तर और पश्चिम की यात्रा सुखकारी है और दिशा शुल भी नहीं, पूरब की यात्रा होता है, तो दिशा शुल बचा हुआ है तो यानी कि यात्रा सुखकारी है उत्तर और पश्चिम के लिए। और 5:13 में सूर्योदय होगा बनारस में और 6:47 में सूर्यास्त हो जाएगा, और स्पष्ट सूर्य है सो 2:14 मान मिथुन राशि के 14 अंश 53 कला 37 विकला है, सब ज्योतिष के लिए है, सामान्य जन के लिए नहीं है। दोष संघ विनाश को रवि योग है, सुबह 5:45 तक मैंने सूर्योदय कालीन 5:45 तक आपको दोष संघ विनाशक रवि योग है, यानी कि कुछ काम आप उस समय करते हैं और उसमें कुछ पंचांग में कुछ दिया हुआ हो है ना, या कुछ आपको समझ से ऐसा लगता हो कुछ दोष है, राहु काल है, क्या क्या है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो मान लीजिए कुछ है ठीक, तो खत्म हो ये दोष अंक को खत्म हो है ना, अब है कि नहीं हो तो विस्तार का चीज़ है, लेकिन मान लिया जाए कि थोड़ा सा है भी तो खत्म हो। क्या मुदयत जो हो गया उसके बाद से आ जाता है, और ये भी आपको रह जाता है 4:55 शाम तक, मैंने प्रातः काल से सूर्योदय काल से करके शाम 4:45 तक रह जाता है, तो ये भी अच्छा योग है ना, मुझे जैव योग है। इस योग में जन्म लेते हैं लड़का या लड़की, वो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे योग में उस तरह के काम किया जाता है। यही आज का आपका पंचांग हुआ, मैंने ज्योतिष का पांचों अंग का चर्चा हमने किया, आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए है ना, ऐसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
शंकर दयाल मिश्रा चैनल का नाम हुआ, उसके बगल में अंग्रेजी में लाल अक्षर से सब ऐप्स लिखा हुआ है, उसको छू दीजिए। और यदि पहले से छू चुके हैं यानी हमसे जुड़ चुके हैं तब वो लाल रंग का, तब आप छोड़, और नहीं लाल रंग के है तो लाल जानते हैं कि लाल निशान ठीक नहीं था तो उसको मिटा के काला कर छू दीजिए, काला हो जाएगा। उसका घंटी है उसको भी छू दीजिए। ऐसा करने से आप हमसे जुड़ जाएंगे और सब तरह का मेरा पुराण आपको मिल जाएगा, और मिल गया आसानी से और आगे भी मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।